टेंडर है जुड़ा हुआ। हाँ चलिए तो आप लोग तैयार हो जाइए, आज का टॉपिक है और अभी का टॉपिक है विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिएशन, विकिरण का अंग्रेजी होता है रेडिएशन और प्रभाव का इंग्लिश होता है इफेक्ट, तो सभी को मिला देंगे तो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो ये भी टॉपिक आपको याद रखना है, समझना है कि विकिरण का प्रभाव को अंग्रेजी में कहते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन से क्या सब क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, इसको पहले हम लोग लिखेंगे, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर कल आप एक बार पढ़ेंगे, फिर याद करके सुनाएंगे, फिर इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस बनाएंगे और उसके बाद बोर्ड का क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। टॉपिक है विकिरण का प्रभाव, क्या होता है विकिरण, विकिरण से क्या सब चीज प्रभावित होता है। तो लिखेंगे H2 का नाम आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन और Cl2। H2 की बात अगर हो और Cl2 की बात हो तो अंधेरे में अत्यंत ही मंद वेग से संयोग करते हैं, अत्यंत ही मंद वेग से संयोग करते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश में ये तक्षण संयोग करके HCl बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, H2 और Cl2 कहां, तो अंधेरे में अत्यंत ही मंद वेग से संयोग करते हैं। एक कंसेप्ट है कि मंद वेग से करता है कहां, तो ऑब्जेक्टिव में हम आपसे पूछेंगे, तैयार हो रहा है ऑब्जेक्टिव 2-3 दिन से लगातार। तो H2 और Cl2 अंधेरे में मंद वेग से क्या होता है, संयोग करता है, किंतु सूर्य के प्रकाश में ये कैसा संयोग करता है, तो तत्क्षण संयोग करता है और क्या बनाता है, तो बनाता है HCl। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, मंद वेग से H2Cl2 कब संयोग करेगा अंधेरा में, तुरंत कब करेगा, तो सूर्य के प्रकाश में, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, इससे ज्यादा इसमें कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, मेन है लिख लिए आप लोग, बोलेंगे देखिए नेट सस्ता वाला भरवा लिए हैं, ऐसा तो बात नहीं है, रुक रुक के आवाज आ रहा है, किसका सर, मेरा, हाँ ऐसा नेट तो सस्ता नहीं भरवाए, पता नहीं क्यों आवाज रुक रहा है, देख लीजिए अगर सस्ता भराए हैं तो बहुत सारा फैसिलिटी रहता है उसमें, अंधेरे में हमें तो उसका आवाज क्लियर आ रहा है। चलिए ये कैसा होगा बताइए, ये जो रिएक्शन होगा ये कैसा होगा, अभी तुरंत बताए हैं, कौन बताएंगे, मंद होगा, ये कैसा होगा, बगल में इधर लिख लीजिए, बगल में इधर भी आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अत्यंत मंद, एक ही लाइन में आपका आ जाएगा, हम थोड़ा जानबूझ के अलग अलग लिखते हैं ताकि आपको याद करने में क्या हो, सुविधा हो, समझ रहे हैं, अत्यंत तीव्र। तो ये हो गया, अब नीचे वाले को बैलेंस कर दीजिए, 2HCl सूर्य प्रकाश में HCl हो गया ना,
तो ये है कंसेप्ट आपका। तो एक रिएक्शन आपको समझ में आ गया कि आप इस रिएक्शन को किस प्रकार से बनाएंगे और किस प्रकार से समझेंगे। बहुत इजी है कि अगर आपके पास H2 है और Cl2 है, अगर अंधेरा में रिएक्शन कराएंगे तो बहुत धीरे धीरे होगा, अत्यंत मंद से होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये काफी है आपको इतना पूछने के लिए। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अगर आप चाहते हैं कि विकिरण के प्रभाव से हम H2 और Cl2 को बनाएं और HCl बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश लाना होगा। तो टॉपिक समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए अब इसमें क्या क्या है? तो ये चार पॉइंट हो गया, अंधेरा, उजाला, H2Cl2, ये सब कॉन्सेप्ट हो गया। आगे लिखेंगे कि प्रकाश तरंगों से क्लोरीन, प्रकाश तरंगों से क्लोरीन के अणु ऊर्जा का अवशोषण करके एक्टिवेटेड हो जाते हैं। अब एक्टिवेटेड का अंग्रेजी क्या होता है? बगल में आप लिख लेंगे सक्रिय, और एक्टिवेटेड को ब्रैकेट में कर देंगे क्योंकि आपके लिए ब्रैकेट में अंग्रेजी रहेगा और हिंदी मेन में रहेगा। और अंग्रेजी वाले को समझने में अगर हिंदी समझ नहीं समझ में आता है तो हिंदी रहता है ब्रैकेट में। तो प्रकाश तरंगों से क्लोरीन के अणु ऊर्जा, क्लोरीन का अणु ऊर्जा का अवशोषण करके एक्टिवेट हो जाता है। अणु क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। कहां से? प्रकाश के तरंगों से क्लोरीन के अणु ऊर्जा का अवशोषण करके, अणु जो है क्लोरीन का अणु, ऊर्जा का अवशोषण करके क्या हो जाते हैं? तो सक्रिय हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ गए? और बहुत इजी है, तुरंत विघटित होकर बहुत आसान है याद करना भी समझना भी, और तुरंत विघटित होकर अत्यंत अभिक्रियाशील क्लोरीन परमाणुओं में बदल जाते हैं। प्रकाश तरंगों से क्लोरीन के अणु ऊर्जा का अवशोषण करके एक्टिवेट हो जाता है, और तुरंत विघटित होकर अत्यंत अभिक्रियाशील क्लोरीन परमाणुओं में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यह है पॉइंट आपका। तो क्लोरीन ऊर्जा कहां से लाता है? तो प्रकाश के तरंगों से। क्या हो जाता है क्लोरीन? एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? तुरंत विघटित हो जाता है, और अत्यंत अभिक्रियाशील क्लोरीन परमाणुओं में बदल जाते हैं, और बाद में जो क्लोरीन गैस होता है वो अभिक्रियाशील क्लोरीन परमाणुओं में चेंज हो जाता है। ये लास्ट टॉपिक है सर, छठा, 11th का। हाँ, लिख लिए? यस सर। नंबरिंग कर देने से सुविधा हो रहा है कि नहीं समझने में और लिखने में भी? Yes, sir. समझने में भी सुविधा हो रहा है, क्योंकि हम समझ गए कि एब्सेंट करने वाले भी कमी नहीं है, और उनको लाइन से खड़ा कीजिए तो ज्यादा अच्छा है, और लाइन से वीडियो बनाइए, लाइन से उनको समझाइए तो ज्यादा अच्छा है। तत्पश्चात ऐसे ही लिखते हैं आप लोग? Yes, sir. कभी लिखे हैं इधर हाल में? Yes, sir.
ये सर तो मैं नीचे रो दे दीजिए। तत् पश्चात ठीक है, ठीक तत्पश्चात ठीक है, सर देख लो। उसमें रो दिलवा रहा था मैं। हाँ कुछ भी खाली पूछ दीजिए, उसके बाद ही कुछ न कुछ जोड़वा देंगे। अब बहुत दिन से नहीं लिखे हैं, कितना दिन हो गया जोड़ने के लिए सर कॉमेंट। तत्पश्चात कितना दिन हो गया लिखा हुआ है, कुछ याद? तत्पश्चात कभी लिखे हैं? यस सर। कब कौन विषय में लिख दिए तत्पश्चात? बराबर यूज करते रहते सर। हाँ हाँ चलिए। क्लोरीन, क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु H2 अणु, क्लोरीन का एक परमाणु H2 अणु से, H2 अणु से अभिक्रिया, H2 अणु से अभिक्रिया करके, H2 अणु से अभिक्रिया करके एक अणु, माइक बंद रखें, एक अणु HCl और एक हाइड्रोजन परमाणु बनाता है, हाइड्रोजन परमाणु बनाता है। माइक बंद नहीं है? हाँ माइक बंद हो गया सर, आवाज कम हो गया। चलिए तो क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन पहले एक परमाणु में कन्वर्ट हो गया, उसको जब सूर्य का प्रकाश मिला, तरंग मिला, प्रकाश का तरंग, तो H2 अणु, अणु का मतलब समझते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु और ये हो गया H2 अणु, ये हो गया अणु और ये हो गया सिंगल परमाणु, सिंगल परमाणु। म्यूट कीजिए, किनके कहाँ हो रहा है? हो गया सर स्टार्ट ना। हेलो, हाँ बोलो। चलो ठीक है, ऑफर का आपको माइक को यही बोलना था। हमारा ऑफर था ठीक, ऑफर। चलिए तत्पश्चात, क्लोरीन का एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु H2 अणु से, किससे? तो H2 अणु से अभिक्रिया करके एक अणु HCl और एक हाइड्रोजन परमाणु बनाता है। तो H2 से क्लोरीन सिंगल था, समझिए, पहले तो ये भी Cl2 था और ये भी H2 था, लेकिन इसको जब सूर्य का प्रकाश मिला, किसको? क्लोरीन को, तो ये परमाणु में कन्वर्ट हो गया, अभिक्रियाशील हो गया और यहाँ ये गया H2 के पास, Cl हो अलग हो गया, ये Cl अलग हो गया। अब ये Cl इससे बन गया HCl और एक हाइड्रोजन को क्या किया, वो यहां पर एक अणु जो है HCl में कन्वर्ट हो गया और एक हाइड्रोजन परमाणु बनाता है, समझ गए? लिख लिए? यस सर। और फिर हाइड्रोजन, यहां तो दो हाइड्रोजन था, दो क्लोरीन था, यहां क्लोरीन दो था और यहां हाइड्रोजन भी कितना था? दो था। हाइड्रोजन भी क्या था? दो था। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? तो क्लोरीन का एक परमाणु H2 अणु से अभिक्रिया करके एक अणु HCl और एक हाइड्रोजन परमाणु बनाता है, ये हो गया। फिर तत्पश्चात मिटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। फिर क्या होगा? फिर यह हाइड्रोजन परमाणु, जो एक हाइड्रोजन परमाणु बचा है, फिर यह हाइड्रोजन परमाणु एक Cl2 अणु से अभिक्रिया करके
एक दूसरा अभी आपको रिएक्शन भी लिख के बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एक दूसरा HCl अणु अणु बनाता है, HCl अणु और एक क्लोरीन परमाणु देता है, परमाणु देता है। अब देखिए हाइड्रोजन जो बचा था पहले तो Cl2 था और यहां H2 था, प्रकाश जब इसको मिला तो ये Cl और ये Cl में कन्वर्ट हो गया, इधर H2 था, ये क्लोरीन गया और यहां पर H2 से मिला, ये HCl बन गया और एक हाइड्रोजन को यहां छोड़ दिया। फिर क्लोरीन तो ऐसा ऐसा बहुत सारा उसमें एटम है, फिर क्लोरीन आया, अब ये हाइड्रोजन आया इसके पास, इसका इसका एक क्लोरीन तोड़ दिया तो ये HCl बनाया, इसको तोड़ाइए इसको तोड़ाइए, ये प्रोसेस है, एक परमाणु देता है, समझ गए है? अभी रिएक्शंस भी लिख के बताएंगे आपको, और पहले लिख लीजिए, लैंग्वेज भी समझ में आना चाहिए। यह हाइड्रोजन परमाणु एक Cl2 अणु से अभिक्रिया करके एक दूसरा HCl अणु और एक क्लोरीन परमाणु देता है। इस प्रकार अभिक्रिया की श्रृंखला, इस प्रकार अभिक्रिया की श्रृंखला, अभिक्रिया की श्रृंखला, इस प्रकार अभिक्रिया की श्रृंखला चेन कायम हो जाती है, चेन कायम हो जाती है, चेन कायम हो जाती है और अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया का वेग काफी तेजी से होता है, काफी तेजी से हो जाता है, काफी तेजी से हो जाता है। लिख लीजिए, लिख लिए, सभी लिख रहे हैं? यस सर। जी सर। अब रिएक्शन से समझते हैं कि कैसे हाइड्रोजन क्लोरीन रहता है। पहले देखिए लिखने का तरीका क्या है, क्लोरीन पहले लिख दीजिएगा यहाँ और इस पर डालिएगा प्रकाश, तो ये किस में टूट जाएगा, 2Cl, समझ गया है? इसको ये को इलेक्ट्रॉन दिखाइए, दोनों अपना अपना एक को इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, तो दो क्लोरीन को दो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस Cl को, एक जो Cl है उससे दो Cl है, उससे एक Cl निकाल लीजिए, उसका इलेक्ट्रॉन यहां लगा दीजिए और प्लस Cl2, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये हो गया, ये दोनों क्लोरीन एक को क्लोरीन से जुड़ा हुआ था, एक को इलेक्ट्रॉन से, दोनों अपना अपना अलग हो गया प्रकाश की उपस्थिति में, ये Cl हो गया, यहां Cl2 नहीं होगा कि बल्कि क्या होगा, H2, क्या होगा, H2, ये क्लोरीन इस H2 के साथ मिला और बना दिया क्या चीज, HCl और प्लस हाइड्रोजन, ये इसका एक निकाल दिया, एकदम आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिला प्रकाश, वो कन्वर्ट हो गया, ये हो गया बात। अभी फिर H को लाइए, उस H को लाइए यहां पर, प्लस Cl2 को लाइए, फिर एक दूसरा Cl2 भी होगा, इसमें बहुत सारा Cl2 होगा, अब ये क्या बना दिया, HCl और प्लस इससे एगो क्लोरीन को छोड़ दिया, यहां हो गया कि नहीं, समझ में आया? और एक M को लाइए, M के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि क्या है, M प्लस H डॉट और प्लस H डॉट, डॉट का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन है, ये कन्वर्ट कर दीजिए M अब प्लस H2, M के बारे में हम बता रहे हैं, लिखा रहे हैं आपको तुरंत, ये M हो गया, ऐसा ऐसा बहुत सारा H इसमें मिल सकता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा हाइड्रोजन मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है M अब प्लस क्लोरीन डॉट प्लस क्लोरीन डॉट माने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो सकता है प्लस Cl, लिख लीजिए। तो पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे हम कल पूछेंगे कि विकिरण का प्रभाव में पांच रिएक्शन हम आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन में बताए थे, पांचों रिएक्शन को बोल के बताइए, तो पांचों रिएक्शन तुरंत बोल देना। Cl2 दो भाग में Cl2 2Cl में कन्वर्ट हो गया प्रकाश की उपस्थिति में, फिर एक क्लोरीन लाए, फिर H2 के साथ रिएक्शन कराए, वो बन गया HCl plus H, फिर H और Cl2 के साथ कराए HCl और Cl, फिर M plus H plus H plus M plus H2, M plus Cl plus Cl, M plus Cl2, तुरंत बोल देना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। इसको अगले क्लास में प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, पहले क्लास शुरू होने से पहले रोज एक बार पढ़ेंगे, एक बार सुनेंगे धीरे धीरे। तो लिख लिए पूरा, Cl2 पहले टूट गया, Cl को ले जाइए H के साथ। तो इस तरह से रिएक्शंस आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको ऑर्गेनिक में भी फायदा करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो उसमें भी ये रिएक्शन आपको काम आएगा और इससे आपका एक दो क्वेश्चन बन जाएगा। अंतिम दो अभिक्रियाओं, अभी जो अंतिम दो अभिक्रिया की बात कर चल रही थी उसके बारे में बता रहे हैं। अंतिम दो अभिक्रियाओं के कारण श्रृंखला अभिक्रिया को अंग्रेजी में भी आप लोग जानेंगे चेन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट श्रृंखला अभिक्रिया को चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो अंतिम दो अभिक्रियाओं के कारण श्रृंखला अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चेन रिएक्शन, समाप्त हो जाती है जहां M जो होगा एक अन्य पदार्थ में कैसा होगा, तो अक्रिय होना चाहिए, अक्रिय है, जिस पर परमाणुओं का पुनः संयोजन का अंग्रेजी भी लिख लीजिए रिकॉम्बिनेशन होता है। तो विकिरण का प्रभाव से आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से आपका जो एसिड बनता है HCl, आप जिससे बाथरूम साफ करते हैं, HCl का निर्माण कैसे होता होगा, आपको प्रक्रिया समझ में आया। तो इसे सूर्य के प्रकाश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए डेली बना रहे हैं, दो घंटा मेहनत चल रहा है उस पर, एक दो दिन में वो सब तैयार हो जाएगा, दो से तीन घंटा हिंदी मीडियम में भी और अंग्रेजी मीडियम में भी, क्योंकि कुछ छात्र जो हैं हिंदी मीडियम तो पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका अंग्रेजी मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा दिल से रहती है कि हम भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते, तो हिंदी इंग्लिश इसीलिए मिक्स करके बना रहे हैं क्वेश्चन अंग्रेजी में भी रहता है और हिंदी में भी, ताकि इंटर के बाद अगर पार्ट वन कभी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना हो, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पीजी, पीएचडी या कंपटीशन, तो उस समय आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी समझ में आए। तो श्रृंखला अभिक्रिया को चेन रिएक्शन कहेंगे, संयोजन को रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। तो ये टॉपिक था आपका छठा पॉइंट, और ये कौन टॉपिक के अंतर्गत आया कौन बताएंगे, ये जो 11th जो टॉपिक था ये कौन सा टॉपिक था, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये पॉइंट था, ये मेन टॉपिक था कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक का, ये छठा पॉइंट था जिसमें विकिरण का प्रभाव दिखा रहे थे और इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के बारे में हम बता रहे थे। तो किसी को याद है कि 11th में हम कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, छह पॉइंट है, किसी को याद है छह पॉइंट, बोलिए, पहला,
अभिकारकों का अभिकारकों का समूह। इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ है, बना दिए हैं, कल दो दिन से बन रहा है। अभिकारकों का सांद्रण, दूसरा ताप, ताप जिसको कहते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर, तीसरा अभिकारकों की अवस्था, अभिकारकों की भौतिक भौतिक अवस्था। लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगा, ये आप जान जाइए। अभी जैसे ही हम आपको पूछे होंगे कि ये बताइए कि 11th वाला में कौन कौन सा पॉइंट है, तो जो एक बार पढ़ दिए उनको लिए तो ठीक है, जो सवेरे में एक बार रिपीट कर लिए, और जो नहीं रिपीट किए उनको ये 5 पॉइंट में दो को पॉइंट ब्रेन में आया होगा। तो अभी कारकों की भौतिक अवस्था, चौथा अभिकारकों की प्रवृत्ति, प्रकृति सर, प्रकृति प्रवृत्ति की प्रकृति, प्रकृति 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 सर, अंग्रेजी में क्या होता है इसको, प्रकृति की प्रवृत्ति, नेचर, नेचर सर, नेचर प्रवृत्ति प्रकृति, उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। ये सब पॉइंट टॉपिक याद कर लेना है कि क्या सब हम इसमें पढ़े थे। जैसे हम सबसे पहला पॉइंट कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में हम क्या क्या पढ़े, तो पहला पढ़े अभिकारकों का सांद्रण, दूसरा क्या पढ़े ताप, तीसरा क्या पढ़े अभिकारकों की भौतिक अवस्था, चौथा क्या पढ़े अभिकारकों की प्रकृति, पांचवा क्या पढ़े उत्प्रेरक का प्रभाव, और छठा क्या पढ़े तो विकिरण का, विकिरण का प्रभाव, तो विकिरण का प्रभाव। तो ये 6 पॉइंट अगर याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि इस पर भी 2-3 क्वेश्चन है, इस पर भी 2-3 क्वेश्चन, इस पर भी 2-3 क्वेश्चन, तो समझिए कि सभी से कभी कभी तो यही कर दे देगा क्वेश्चन, अभी कारकों के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन नहीं है, ABCD कर दिया, ए बी सी डी, समझ गया है? एक दूसरा चीज दे देगा, समझ गया है? तो इस तरह से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारा आपका बन सकता है। और अब हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक शुरू करने वाले हैं 12वां टॉपिक लिखेंगे आप लोग पहले, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रभाव का अंग्रेजी आपको याद हो चुका है इफेक्ट, प्रभाव का अंग्रेजी होता है इफेक्ट, किसका, तो ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर माने ताप का प्रभाव है, किस पर, तो ऑन द पर माने ऑन, किस पर, द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये है आपका 12वां नंबर पॉइंट। तो 11वां के पॉइंट में, 11वां में आपको हम बताए 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, सब्जेक्टिव में आप 2 लाइन छोड़ भी दीजिएगा तो वो ज्यादा आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर 1 लाइन भी अगर भूल गए, 1 शब्द भी अगर भूल गए या कंफ्यूजन हुआ तो वो डायरेक्ट का डायरेक्ट गलत हो जाता, वो डायरेक्ट का डायरेक्ट क्या होता है, गलत हो जाता। तो इस तरह से आपका 11th का टॉपिक समाप्त हुआ। जस्ट थोड़ी ही देर में हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं 12, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन।